नंबर 5 पर अक्षय कुमार आते हैं। इन्हें अक्की के नाम से जाना जाता है। इन्होंने आज मूवी से फिल्मी दुनिया में कदम रखा। 2023 में अक्षय कुमार की मोस्ट अवेटेड फिल्म ओ माई गॉड 2 रिलीज होगी। अक्षय कुमार का टोटल नेटवर्थ 340 मिलियन डॉलर है। अगर इंडियन करेंसी में देखा जाए तो 2,787 करोड़ 32 लाख रुपए होंगे। नंबर 4 पर ऋतिक रोशन आते हैं। इन्हें डुगू के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने कौन ना प्यार है मूवी से फिल्मी दुनिया में कदम रखा। 2023 में ऋतिक रोशन का मोस्ट अवेटेड फिल्म फाइटर है। ऋतिक रोशन का टोटल नेटवर्थ 370 मिलियन डॉलर है, जिसे इंडियन करेंसी में कहें तो 3,033 करोड़ 26 लाख रुपए होंगे। नंबर 3 पर सलमान खान आते हैं। इन्हें सल्लू भाई और बॉलीवुड के भाईजान के नाम से जाना जाता है। इन्होंने बीवी हो तो ऐसी मूवी से फिल्मी दुनिया में कदम रखा। 2023 में सलमान खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म टाइगर 3 और किसी का भाई किसी का जान फिल्म है। सलमान खान का टोटल नेटवर्थ 380 मिलियन डॉलर है, जिसे इंडियन करेंसी में देखा जाए तो 3,115 करोड़ 24 लाख रुपए होंगे। नंबर 2 पर अमिताभ बच्चन आते हैं। इन्हें बिग बी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने 7 हिंदुस्तानी मूवी से फिल्मी दुनिया में कदम रखा। 2023 में अमिताभ बच्चन की मोस्ट अवेटेड फिल्म प्रोजेक्ट के रिलीज होगी। बिग बी का टोटल नेटवर्थ 500 मिलियन डॉलर है, जिसे इंडियन रुपीज में कहें तो 4,099 करोड़ रुपए होंगे। नंबर 1 पर जाने से पहले अगर आप लोग इंडिया से हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दूसरे कंट्री से हैं तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। नंबर 1 पर शाहरुख खान आते हैं। इन्हें बॉलीवुड का किंग खान के नाम से जाना जाता है। इन्होंने दीवाना मूवी से फिल्मी दुनिया में कदम रखा। 2023 में शाहरुख खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म पठान रिलीज होगी। इनका टोटल नेटवर्थ 700 मिलियन डॉलर है। अगर इंडियन करेंसी में देखा जाए तो 5,738 करोड़ 60 लाख रुपए होंगे।